नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। फिर भाई, आपको पता है कि DSSB के एग्जाम बहुत जल्द लगने वाले हैं, या हर साल लगता है, और इसमें केवल CTET टू क्वालिफाई ही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सर मैं CTET नहीं क्वालिफाई हुआ हूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, क्या नहीं करूँगा, इसका मतलब तैयारी नहीं बंद कर देना है। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आपके सामने सुपर टेट लगा हुआ है, आपके सामने बिहार का है, मे बी उसमें अगर चांस दिया जाता है तो उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। तो वहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता है, है ना, बिहार में कोई एग्जाम नहीं होता, मेरिट पर कराया जाता है। और यहाँ पर बच्चे परेशान हैं कि सर DSSB में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मेरा केवल पेपर फर्स्ट क्लियर है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, प्राइमरी के लिए कर सकते हैं। अगर सर मेरा पेपर केवल टू क्लियर है CTET का तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। उसके लिए जूनियर के लिए अप्लाई करेंगे आप, उसमें भी अप्लाई सीटें आती हैं कुछ, तो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। अगर आपका दोनों नहीं क्लियर है तो TGT के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। यह सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नॉन टीचिंग भी पोस्ट होंगे उसमें, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन उसमें सीटें हो सकता है कम हो, जैसे कि है कि उसमें कुछ सीटें रहती हैं। DSSB का मतलब कि पूरी दिल्ली सबॉर्डिनेट से रिलेटेड हर एक एग्जाम वो कराएगा, है ना। तो DSSB मतलब एक संस्था है जो कि टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, टेक्निकल बहुत सारे एग्जाम कराए जाते हैं, और इसमें BEd वाले भी बच्चे एलिजिबल हैं और BTC वाले भी बच्चे एलिजिबल हैं। जो बच्चे कह रहे थे सर क्या मैं प्राइमरी में भर सकता हूँ, अगर मेरा CTET में 90 मार्क्स है तो बिल्कुल भर सकते हैं। और जो बच्चा एक नंबर से कम है तो वो भी पूछ रहे थे कि सर क्या मैं क्या करूँ, तो अगर आपका 89 है जनरल में आप हैं तो आप नहीं एलिजिबल हैं मेरे भाई। और देखिए, दूसरे स्टेट के सारे बच्चे, दिल्ली को छोड़कर सारे के सारे बच्चे को कम से कम 90 नंबर चाहिए CTET में, तब जाके वह एलिजिबल होंगे, ठीक है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कहानी है, जैसे बिहार का कुछ अलग है, जिसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बिहार की बातें किए थे। तो बिहार में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया अलग है, हो सकता है वह अपना अदर स्टेट को भी मौका दें। तो DSSB के लिए आप कंप्लीटली तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी में लगे रहिए। अगर जो बच्चा CTET नहीं निकाला है तो वो भी तैयारी क्यों बंद करेगा भाई, SuperTET नहीं देना है तो उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, लगनी पड़ेगी पहले से ना। तो ऐसा नहीं कि बंद कर दिए तो भैया अब चलो नहीं आ रहा है, मेरा CTET नहीं क्वालिफाई हुआ तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टीचर बनने का ख्वाब देखा हुआ है आपने, तो एक बार नहीं मिला मौका क्योंकि आपका CTET नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि आपका UPTET नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसा तो नहीं CTET UPTET नहीं आएगा फिर, अभी UPTET बहुत जल्द आपके सामने लग जाएगा, तो आपको प्रिपरेशन उसके लिए तो करना पड़ेगा। खैर करेंगे तभी तो आगे फाइट करेंगे, नहीं तो रोते रहेंगे तो दूसरे पीछे वाले बच्चे आपसे वो भी आगे निकल जाएंगे, फिर उनको देखना जब वो सिलेक्शन होंगे तब आप रोना शुरू करोगे, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए ना। लगे रहो, कुछ भी कार्य करते रहिए। और देखिए, CTET अगर क्वालिफाई है तो आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, CTET से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलते रहते हैं, हर जगह मिलते रहते हैं CTET के अपॉर्चुनिटीज, तो वह चीज़ें हैं। प्राइमरी लेवल में आप पढ़ा सकते हैं, मतलब कि एक तरह से 1-5, है ना, अगर जूनियर वाला क्लियर है तो 8 तक पढ़ा सकते हैं, वह ऐसे ही चीज़ें लिए जाते हैं ना, डेमो वगैरह देकर आप पढ़ा सकते हैं। तो बस ये हमारा कहना में यही है कि आप पढ़ाई नहीं बंद करेंगे, स्टार्ट करिए रहिए अपना, जो भी आप पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से आप कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा मेरे पास हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।